आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्राह्मण सभा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर अपने मंत्री पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कोसी कला के थाना रोड स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण सभा के मंत्री बीएस शर्मा ओपन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस बैठक में ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज कोसी कला के अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने सभा की कार्यकारिणी में बिहारी शरण शर्मा ओपन को मंत्री बनाया गया था। बीते वर्ष अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण समाज के आक्रोश के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी वे अप्रत्यक्ष रूप से समाज में विखंडन का कार्य करते रहे। सभा के पदाधिकारी अशोक आरती, जगदीश पंडित, वेद प्रकाश शर्मा आदि ने कहा कि बिहारी शरण शर्मा एवं ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के द्वारा 31 जनवरी को रामनगर स्थित परशुराम मंदिर में एक बैठक के लिए लोगों को सूचना दी थी, जिसमें लोगों से ज्यादा पहुंचने की अपील की गई थी, जिसका ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने बैठक का खंडन करते हुए बताया कि उस बैठक को लेकर उनसे कोई वार्ता नहीं की गई, न ही कोई सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि आम जनमानस और ब्राह्मण समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए बैठक करने की सूचना बेवजह डालने का भी आरोप ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने सूचना कार्यकर्ताओं पर लगाया है। इस दौरान राजेंद्र शर्मा, सचिन भारद्वाज, विष्णु भारद्वाज, अनुराग शर्मा, अनिरुद्ध पालीवाल, अभिषेक शर्मा आदि उपस्थित थे। इस संबंध में आप लोगों को बैठक में न पहुंचने की अपील करते हुए ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने जान दी। अध्यक्ष जी बताएं, आज जो प्रेस वार्ता जो की जा रही है, क्या मतलब इसका उद्देश्य है? मुख्य तो उद्देश्य ये है कि जो 24 तारीख के हिंदुस्तान में एक न्यूज़ निकली थी कि मेरे हवाला उसमें दिया गया था, जबकि उसमें ब्राह्मण सभा कार्यकारिणी का तो कोई भी सदस्य ही नहीं था, और जिन लोगों जो मीटिंग की गई थी वो बिहारी शरण शर्मा, जो ओपन अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं, और उन्होंने जो मेरे नाम का हवाला दिया वो भी 29/1/2020 को संस्था से इस्तीफा दे चुके हैं। और मैं उनके बारे में क्या बताऊं, जो ये कार्य की जो प्रगति थी, जो कार्य मैं प्रारंभ कर रहा हूं, ऊपर 25x50 का एक हॉल का जो निर्माण है, सामग्री आ रही है, ठेका इसका गया है, और वो कार्य और बीच में ये कोरोना काल होने की वजह से जो कार्य में जो डिले हुआ है, अगर ये कोरोना नहीं होता तो मैं निश्चित तौर पर अब तक इस कार्य को पूरा कर चुका होगा। तो लोगों को जो समाज से वादा करके आते हैं, समय का अभाव था, कोरोना की वजह से पूरा विश्व परेशान था, तो समाज पूरा परेशान था, तो कहाँ से, क्योंकि संस्थाओं के काम आर्थिक सहयोग चंदा आदि से ही होते हैं, व्यक्ति तो कोई नहीं, समाज में इतना बड़ा नहीं होता कि किसी समाज के कार्य को वो अकेला पूर्ण कर सके। और अभी मैंने मकर संक्रांति में मेरा उद्घाटन का प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम करने का था, लेकिन एक सेल वाले आ गए जिसकी प्रतिदिन की जो किराया था धर्मशाला का 3000 रुपये महीने का पर डे का था, तो मैंने संस्था के लाभ को देखते हुए मैंने चलो एक हफ्ते बाद जो है क्या कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अब उसके बीच में कुछ जो समाज की विकास के विरोधी हैं, जो समाज का विकास नहीं चाहते, जिनकी वजह से अब तक ये समाज बहुत ऊपर होना चाहिए था, ये संस्था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस टाइम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना की थी, उसी टाइम हमारी फैमिली से हमारे ग्रैंडफादर और उनके जो हमउम्र लोग थे, जो मेरे मोहल्ले के थे, मैं आपको नाम भी गिनवा दूँ, पंडित रामस्वरूप जी पटवारी और पंडित प्यारे लाल जी शर्मा, पंडित हरवंश लाल जी शर्मा और पंडित कमल प्रसाद भौरे जी, तो ये वो बुजुर्ग थे, हम लोगों ने भी उंगली पकड़ना उनसे सीखा। लेकिन आज जो संस्था की स्थिति है, मैं आपको विकास कार्य में देरी हुई है लेकिन अंदर नहीं हो सकता,